नमस्कार, मैं हूँ बीना खेमानी और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और इसका मकसद महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है। आइए देखते हैं आज इस खास मौके पर हमारे साथ में कौन मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट एंड प्रेजेंटर बीबीसी हिंदी की सारिका सिंह जी। मैम, स्वागत है आपका टीएनएन न्यूज में। शुक्रिया बीना फॉर हैविंग मी इन दिस शो। मैम, आज के इस विशेष दिन पर मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है और एक महिला पत्रकार होने के नाते आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, पत्रकारिता एक बेहद चैलेंजिंग प्रोफेशन अपने आप में है और अगर आप महिला होकर इस पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरती हैं तो आपको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयार रहने चाहिए इसकी चुनौतियों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप सिर्फ बैठ कर ऑब्जर्व तो नहीं करना चाहेंगी, आप फील्ड में जाना चाहेंगी, आप काम करना चाहेंगी, तो आपको पुरुषों के बराबर चुनौतियां लेनी होंगी। वैसे भी बहुत सारी चुनौतियां अपने आप में हैं, जैसे जेंडर को लेकर चुनौतियां हैं, शारीरिक तौर पर बहुत कठिनाइयां हैं अगर आप वॉर जोन में जाती हैं, या आजकल जिस तरह से लोगों का सामना, पत्रकारों का सामना मॉब से हो रहा है, उससे आप किस तरह से निपटती हैं। काम बहुत ज्यादा होता है एक क्षेत्र में, तो पहले से ही आप एक 9 to 5 वाली जॉब के दायरे में तो बंदी रह नहीं सकती हैं, तो ये तमाम चुनौतियां आपको पहले से ध्यान में रखकर पत्रकारिता के दौर में उतरना होगा। इसके अलावा जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड की चुनौतियां हैं, डिजिटल मीडिया अपने आप में एक तरह से बूम भी बनकर आया है और बेन भी बनकर आया है, तो बून और बेन दोनों ही है ये। आप घर बैठे या कहीं एक छोटी सी जगह से भी आप जो चाहे लिख सकती हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं और आप लोगों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन यही डिजिटल मीडिया जो है सोशल मीडिया के फॉर्म में, यहां से आपको जज भी किया जाएगा, यहां से हो सकता है आपको ट्रोल भी किया जाएगा, आपको लोगों की मानसिकता जो अलग तरह की होती है वो भी सहनी होगी। तो पत्रकारिता अपने आप में चुनौतीपूर्ण तो है ही, महिला होने के नाते ये और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खासतौर से जब अब बात होती है पत्रकारों के लिए, महिला पत्रकारों के लिए, तो अभी भी एक जेंडर पे गैप का जो इशू है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से दूर विदेशों तक में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह महिलाएं ये मुद्दा उठा रही हैं कि जेंडर पे गैप का जो इशू है, पत्रकारों जो पुरुष पत्रकार हैं उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं, ये एक इशू है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है कि अक्सर सॉफ्ट स्टोरीज के लिए माना जाता है कि महिलाओं को आगे रखा जाता है। अपने आप में इस चुनौती को आपको लेना होगा, तैयार रहना होगा कि किसी भी तरह की स्टोरी मैं जाकर हैंडल करूंगी। इसके अलावा आपको ऑब्वियसली चुनौतियां बहुत सारी हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं। वॉर जोन में अगर आपको जाना है, अगर आपको क्राइम की स्टोरीज करनी है, तो इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। मैम, बिल्कुल सही बात बताई आपने कि हर क्षेत्र में चैलेंजेस रहते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से हम सबको सक्षम रहने की ज़रूरत है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि COVID-19 पैंडेमिक में आपके द्वारा की गई रिपोर्टिंग में आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया? COVID-19 के दौर में पत्रकारिता वैसे ही सबके लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि आप हैं तो एक इंसान है ना, और ये वायरस इंसान का ही तो दुश्मन बनकर आया था। तो हम सब जैसे कोविड वॉरियर कहा गया मीडिया के लोगों को, ऑब्वियसली हम सबको घर में तो बैठना था नहीं, हमें जाना था, खबरें लोगों को देना था, बिकॉज पीपल वर हंग्री फॉर रियल न्यूज दैट टाइम। उनको ये कहीं से जानना था कि इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, वायरस कैसे फैल रहा है, वायरस है क्या, वायरस के प्रकार क्या है। ऐसे में आप घर में तो बैठकर रह नहीं सकते हैं मीडिया प्रोफेशनल होने के नाते, तो हमें जाना था वहां, एक तो रोज ऑफिस जाना था जब बाकी लोग घर पर बैठकर काम कर रहे थे। तो डे वन से जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से मैं ऑफिस जा रही थी। बहुत ही अलग तरह का मेंटल इमोशनल एक तरह का टर्मोइल था वो, जब एक तो डर होता था क्योंकि वायरस अनजाना था, हमें भी नहीं पता था हम कब तक सुरक्षित हैं, क्योंकि सबको सलाह दी जा रही है घर में बैठे और हम बाहर जा रहे हैं। तो जब मैं निकलती थी घर से तभी बहुत अजीब लगता था। उसके बाद मेड्स जो हाउस हेल्प होते हैं,
वो बंद हो गए थे। तो एक विमेन होने के नाते पहली बार मुझे ये चुनौती सामने आई कि घर का भी काम करना है, साफ सफाई सुबह से उठकर सारा खाना बनाना है और सब कुछ करना है, और उसके बाद आपको ऑफिस भी जाना है। और ऑफिस में जब बाहर निकलते थे तो बिल्कुल घोस्टी इन्वायरमेंट होता था, कोई दिखता नहीं था, हर ओर सुनसान। ये भी डर था कि आपको कम से कम ह्यूमन कॉन्टैक्ट रखना है, आपको किसी के पास नहीं जाना है, तो बहुत ही एक तरह के मतलब एक माइंडसेट अजीब था, क्या करें क्या ना करें। एक इंसान के तौर पर, एक आप पत्रकार हैं लेकिन आप इंसान भी तो हैं, तो एक वो अलग तरह का टर्मोइल था। खैर उसके बाद COVID-19 मुझे हुआ, जिसका डर था, लेकिन थैंकफुली हियर आई एम, ठीक हूं मैं बिल्कुल और आप लोगों के सामने हूं। डर बहुत लगा था उन दिनों, और ज्यादा हम पढ़ रहे थे पत्रकार होने के नाते COVID-19 के बारे में, तो ज्यादा सिम्टम्स और वो सब कुछ समझ में आ रहे थे। फिर डर भी लग रहा था कि पता नहीं मैं बच पाऊंगी कि नहीं, फैमिली को देख पाऊंगी कि नहीं, तो ये सारा ओवरकम किया। उसके बाद बिहार चुनाव आए, तो बिहार चुनाव पर जब मैं गई तब वो एक अलग किस्म का डर था, क्योंकि मैं फील्ड में पहले भी गई थी लेकिन ये पहली बार था जब चुनाव कवरेज करना है आपको, इलेक्शन, आपको लोगों से बात करनी है, आपको भीड़ का सामना करना है, और भीड़ ही तो सबसे बड़ा कैटलिस्ट है COVID-19 का। तो बहुत मुश्किल था बचते बचाते, वहां भी लोगों को सलाह देती रहती थी मैं जब रिपोर्टिंग करती थी कि प्लीज मास्क पहन के आए बाइट देने से पहले, आपको अगर मुझसे बात करनी है या अपना ओपिनियन शेयर करना है तो सबसे पहले एक सिटीजन होने का फर्ज निभाइए, आप मास्क पहन कर आइए। खैर एक तरह से वही था कि पता नहीं था क्या करना है, बट ड्यूटी लाइन है, कॉल है, तो जाना ही है और काम करना ही है। जी बिल्कुल मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस डिजिटल युग में पल पल बदलती खबरों के दौर में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? पल पल बदलती खबरों के दौर में मैं खुद को कहाँ देखती हूँ या बदलते दौर को कैसे देखती हूँ? जिंदगी का नाम ही बदलना है, ये हम सब तो जानते ही हैं, तो पत्रकारिता भी तो इसी जिंदगी का हिस्सा है ना, समाज का हिस्सा है, तो वो भी बदलेगी जब वक्त बदलेगा, जब समाज बदलेगा, जब सोच बदलेगी, तो पत्रकारिता भी उस दौर के हिसाब से बदल रही है। अपने इतने सालों के लगभग 15 साल हो गए हैं जब से मैंने पत्रकारिता को देखा है, समझा है, आने की चाहत रखी और एक दिन इसका पार्ट बनी। बहुत कुछ बदल गया है। शुरुआत में बिल्कुल फैसिनेशन था कैमरे का, टीवी पर आने का, लेकिन फिर धीरे धीरे आने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। तब पत्रकारिता, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब एक बुलेटिन आता था दूरदर्शन पर और तब हम वो देखकर कितने फैसिनेट होते थे। फिर 24 घंटे के चैनल ने मेरे ही सामने उसका एग्जिस्टेंस हुआ। फिर खबरें 24 घंटे के दौर में कैसे बदलती हैं, क्या क्या करना होता है, वो सब देखा। उसके बाद डिजिटल मीडिया सा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर रेडियो, जब FMs आए, तो बिल्कुल बदल रहा। और उसके बाद अब सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, या तो हर कोई पत्रकार है। और इनफैक्ट जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो एक तरह से आपको लाइसेंस मिलता है पत्रकारिता करने का, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप समझते हैं कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, कितनी जिम्मेदारियों का ये प्रोफेशन है। सोशल मीडिया की वजह से कई लोगों के पास वो बदलते दौर की खबरें पहुंचती हैं, जब लोग एक मोनोलॉग करते थे, जब हम खबरें पढ़ते थे और लोग सुन लेते थे, पर लोग उन खबरों पर क्या सोचते हैं ये हमें पता नहीं चलता था। सोशल मीडिया ने उससे रूबरू कराया। अब हमें लोगों का ओपिनियन पता चलता है, वो क्या देखना चाहते हैं, वो खबरों पर अपनी क्या सोच रखते हैं, जो सरकार पॉलिसीज बनाती है, बदलती है, उस पे लोग क्या राय रखते हैं, तो ये सब कुछ सोशल मीडिया ने हमें रूबरू कराया। सोशल मीडिया के हिसाब से टीवी की पत्रकारिता भी बदली है, क्योंकि वहां भी ओपिनियन लोगों के तब ज्यादा शामिल करना शुरू हुआ जब सोशल मीडिया का दौर हुआ। डिबेट शो में लोग आने लगे, दर्शक, वो अपनी बात कहने लगे। छोटे छोटे फॉर्मेट में कम वक्त में ज्यादा खबरें देना, ये भी शायद सोशल मीडिया की ही देन है। और उसके बाद डिजिटल का दौर है जिसमें हर आदमी के पास अपना फोन है, वो अपने हिसाब से खबरें देखना चाहता है। किसी को शायद एंटरटेनमेंट की खबरें देखनी है, किसी को ज्यादा स्पोर्ट्स की खबरें देखनी है। पहले एक वक्त होता था जब एक ड्रॉइंग रूम में आपको सबके हिसाब से खबरें देनी होती थी, लेकिन अभी खबरें ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बदलते दौर के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर आप शायद एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपना रेलेवेंस खो देंगे। तो इसीलिए मेरी ये सलाह है कि अच्छी चीजें आप उसको ले लीजिए, समझ लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, और बुरी चीजें हैं तो उससे दूरी बना लीजिए। मैम मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछना चाहूंगी कि पत्रकारों पर हिंसा जो है वो बढ़ती ही जा रही है, उस पर आपको क्या कहना है? हिंसा तो किसी भी सूरत में सही नहीं है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। हम तब तक खबरें पढ़ती थी कि डॉक्टरों, हम पढ़ते थे खबरें कि डॉक्टरों के साथ हिंसा होती है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर
किसी शख्स को अगर किसी कोई बात पसंद नहीं आई तो हिंसा नहीं होती है, हमें तो बचपन से सिखाया गया है ना कि हर किसी की बात का सम्मान करना है, हर किसी का एक अपना ओपिनियन हो सकता है, हर किसी की अपनी अपब्रिंगिंग होती है, कल्चर होता है। हम इतने इनटॉलरेंट कब से हो गए? टॉलरेंस आगे रखें, और शायद मुझे लगता है कि वो टॉलरेंस मुझसे शुरू होती है, हम वो एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो किसी और को दोष देना तो खैर सही नहीं है हिंसा के लिए, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हर कोई अपना काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते आपकी बातों में वो वजन होता है, और ये पत्रकारी नहीं सब पर लागू होता है। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो अपनी बातों से उसे समझा सकते हैं और फॉर्मली बता सकते हैं। मुझे लगता है कि वो आंखों में वो दम होना चाहिए, आपकी आंखों में वो दम होना चाहिए कि अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आ रही है या ठीक नहीं लग रही है तो आप अपनी आंखों से, अपनी बातों से, जुबान से किसी को रोक सकें। हाथ पैर चलाने की और हिंसा की उसमें क्या जरूरत है? जी बिल्कुल मैम, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहा है और इसमें हिंसा का कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस चैलेंजिंग प्रोफेशन में आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह बैलेंस करती हैं? मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हूँ? एक पत्रकार होने के नाते मेरा ख्याल है सिर्फ मैं ही नहीं, कई महिलाएं जो काम करती हैं उनको बैलेंस करना होता है, और महिलाएं ही क्यों, पुरुषों के लिए भी पर्सनल और वर्क लाइफ का तो बैलेंस होना ही चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। शुरू में जब आप शुरू करेंगे पत्रकारिता तो शायद ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि एक नया काम होता है, उस काम के नए तौर तरीके होते हैं और बहुत ही डिमांडिंग काम है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है एडजस्ट करने में। लेकिन मैं ये कहूंगी अगर ये काम आपको पसंद है, अगर ये पैशन है काम, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक करियर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप सीख जाएंगे पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस बनाना। और इससे ज्यादा क्या कहूँ, मतलब मैं हर वो काम कर लेती हूँ जो मुझे करना चाहिए, लोगों से मिलजुल भी लेती हूँ, अपने फेवरेट काम भी कर लेती हूँ। पत्रकारिता एक फुल टाइम जॉब है, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप अपनी आंखें कान बंद नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना होता है क्या क्या बदल रही है चीजें, खबरें कैसे बदल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको ये काम बहुत पसंद है, दिल से ये काम करते हैं आप, तो आप सारे तरीके सीख लेंगे इसको बैलेंस करने के। और अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आप शायद किसी और करियर के लिए बने हैं, तो मे बी आप इसे छोड़ देंगे और किसी और करियर में चले जाएंगे। जी बिल्कुल मैम। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो अपना करियर पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, खासकर विमेंस, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? विमेंस डे पर महिलाओं के लिए मैसेज, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो पत्रकारिता को करियर के रूप में चुनना चाहती हैं, आप क्यों इस करियर को चुनना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना है। ऑब्वियसली टीवी पर आना या अपनी बातें कहना जिसे लोग सुनते हैं, ये काफी नहीं है। क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे आप इस काम में आकर? क्योंकि कोई भी काम जो आप करते हैं उससे किसी न किसी की जिंदगी में कोई ही ना कोई फर्क पड़ता है, चाहे कोई टारगेट ऑडियंस हो, टारगेट कस्टमर हो, या कोई भी हो, आपके इस काम से किसी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको पहले ये सोचना है। और उसके बाद तमाम चुनौतियों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता, चाहे आप एक बैंकर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, कोई काम आसान नहीं होता है। तो पत्रकारिता, लेकिन अगर आप चाह जाएंगी, इफ यू नेवर गिव अप, जस्ट डिसाइड नॉट टू गिव अप, तो फिर कोई भी प्रोफेशन आपका है। आप यहां क्यों आ रही हैं? सिर्फ अपनी आवाज सुनाने नहीं, दूसरों की भी आवाज सुनने के लिए, टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। पत्रकारिता बहुत नोबल प्रोफेशन है इफ डन राइट। तो अगर आप आ रहे हैं तो, और बहुत सारी दिक्कतें होती है, घर वालों से कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी सोसाइटी बहुत कुछ कहती है, बट वंस यू प्रूव इट दैट वाई यू आर देयर इन दिस प्रोफेशन, देन everybody will agree to you and maybe everybody will respect you also. मैम आखिरी सवाल आपसे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वुमेन्स डे पर मैसेज टू ऑल द वुमेन, वुमेन होना अपने आप में इट्स अ प्रिविलेज आई थिंक। आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है, ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, जेंडर बायसनेस से लड़ना पड़ता है, बहुत सारी हैं चुनौतियाँ, पर चुनौतियाँ किसके सामने नहीं हैं। वो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन में नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, तो जब तक हम इन चुनौतियों से डर कर बैठे रहेंगे, हाउ विल वी ग्रो? तो अगर हमने ठान ली है दैट आई हैव टू मेक द मार्क इन दिस प्रोफेशन, बी इट जर्नलिज्म,
आई विल गो एक्स्ट्रा माइल विदाउट फियरिंग एनीथिंग. आई विल गो विद अ मोटिव टू चेंज समथिंग, टू ब्रिंग द चेंज, टू बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस. तब मुझे, जब मेरा पैशन इतना स्ट्रांग है तो मुझे कैसे कोई चीज रोक सकती है? और अगर मुझे कोई चीज रोकती है बीइंग अ वुमन, तो सारी वुमेन को ही रोकती है ना. चुनौतियां सबके लिए एक जैसी हैं कमोबेश. शायद कुछ कंट्रीज में ओपन सोसाइटी है हमसे ज्यादा, लेकिन कुछ कंट्रीज में वुमेन हमसे भी ज्यादा बड़ी चुनौतियां सोसाइटी के तौर पर फेस करती हैं, उनके बंधन ज्यादा हैं. तो हमें तो एक ऐसी महिला बनना है जो सबके लिए इंस्पिरेशन हो, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम कैसे रोक सकती है? और स्पेशली काम वही करो जो आपके मन के भाग को भाए. थैंक यू सो मच मैम, आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आपने आपका कीमती समय हमें दिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म. थैंक यू मैम. तो ये थी बीबीसी हिंदी से सारिका सिंह जी, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारे साथ में मौजूद रहीं. फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.